लो तो। मैंने तो वीडियो बना ली बस फोटो खींचने। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वहाँ से निकलने के बाद में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। इस जगह को कुछ कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर सब खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, जितना भी फास्ट फूड वाला आइटम होता है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे रुक करके थोड़ा बहुत यहाँ की चीज़ें टेस्ट की जाएँ। एंड ट्रस्ट मी, ये जो फालूदा आप देख रहे हैं, फालूदा आइसक्रीम, ये बहुत टेस्टी थी। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी हम लोगों ने शुरुआत की है फालूदा आइसक्रीम से। और अभी हम लोग देखिए क्या क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं। और फालूदा आइसक्रीम के बाद में हम लोगों ने टेस्ट किए यहाँ के मोमोज, और ये है सूप। और फिर हम गए यहाँ पर नारायण चाट भंडार, जो कि झांसी की सबसे पुरानी और सबसे फेमस चाट शॉप है, जो कि 1968 से यहाँ पर है। तो मेरी बड़ी मम्मी के घर पे एक प्यारा सा एक कछुआ था, और मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे टच करके उसे देखा था। शिवांशी के साथ भी आई थिंक फर्स्ट टाइम ही है जब वो इस तरीके का पेट देख रही है, और बड़ा ही प्यारा सा था ये कछुआ। बहुत कम मूव कर रहा है ना, तो उसको लग रहा है ऐसे ही है। ये बहुत तेज लगते होंगे नाखून इसके, वही चक्कर की पकड़ ना पाए कोई, उसी को बचाने उसको अच्छा नहीं लगता होगा शायद उठाना। नहीं वो अपने बचाओ, बचाओ है उसका ना, और इसके अंदर मुंडी कर लेना तुरंत फटाफट। देखो जा रहा है, जा रहा है, चल रहा है। शिवांशी जाओ, जाओ जाओ, आओ। और ये है शिवांशी की पर नानी उसके साथ में खेलते हुए। भाग जा रही है। ये कौन सा फूल है बड़ी मम्मी? और छत में इस तरीके से कुछ गार्डनिंग कर रखी थी बड़ी मम्मी ने, काफी सुंदर सुंदर से फ्लावर्स थे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में ये। और फिर बड़ी मम्मी का बर्थडे था उस दिन, तो हम लोगों ने चुपके से केक मंगवा लिया था उनको सरप्राइज करने के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
तो केक कट करने के बाद में हम लोग नीचे आ गए थे मम्मी डैडी को सी ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो लोग जा रहे थे। मेरा भाई और मैं कुछ दिन के लिए रुक गए थे, एक दो दिन हम लोग और रुके होंगे, तो हम लोगों ने सोचा सबके साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब ऐसा मौका मिले कि सब लोग एक साथ इकट्ठे हो सके। तो अभी मम्मी डैडी को हम लोग सी ऑफ करने जा रहे हैं। आराम से करवा भी रही है, मैं होती तो ये चोटी तक नहीं बनवाती है। इतने स्टाइल से लेटी हुई शिवांशी की उसकी बड़ी बहन के साथ में इस तरह की बॉन्डिंग देख करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कभी भी मेरे से इस तरह से आराम से चोटी नहीं बांध पाती है, और यहाँ देखो सावी बहुत अच्छे से उसे चोटी बांध रही है। और यहाँ पे भाभी उसके लिए एक कलरिंग बुक ले आई थी और कुछ कलर्स ले आई थी। यहाँ पे शिवांशी को मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि वो कितना बिजी है इन कलर्स के साथ में। आई थिंक शिवांशी भी खुश होगी इस नई तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके। मुझे मेरी भाभी से एक नई चीज़ सीखने को मिली कि बच्चों को बिजी करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी में लगा दो। कार्टून से तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे अगर कार्टून ज़्यादा देखते हैं तो उनके लिए अच्छा भी नहीं होता है। अब जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। तो शिवांशी को कलर करता हुआ देख करके सभी लोग पेंटिंग करने लगे। यहाँ पे मेरा भाई भी बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हो गया है। और ये जो आप पूड़ियाँ देख रहे हैं ना, इस बच्ची को जो मैंने देखा है ना, सावी नाम है इसका, इसी ने बनाई थी। तो ये क्लिप है उस दिन का जब हम लोग कानपुर के लिए निकल चुके हैं, यानी कि नेक्स्ट डे का। तो निकलते निकलते हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया था, शाम होने लगी थी। आप देख ही रहे हैं कि सनसेट शुरू हो चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो ही जाएगी। और शिवांशी को तो अपनी ड्राइंग बुक्स और कलर से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है कि उसने गाड़ी में ही कलर करना शुरू कर दिया था। शिवांशी की तो अपने मामा से इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। उसके मामा एक तो कुछ बोलते भी नहीं है ज़्यादा, उसका जब मन करता है अपने मामा के ऊपर लुढ़क जाती है, जब मन करता है मामा को चिपक जाती है। तो अभी हमें एक दो घंटे का और रास्ता तय करना है, और उसके बाद ही हम लोग घर पहुंचेंगे। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या मस्ती की, और मैंने बनाए थे चोखा बाटी, वो भी मैं आपके साथ में अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।